आज की हमारी इस क्लासेस में हम आपको बताएंगे इफ वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग में इफ फॉर्मूला के अंदर नेस्टेड फॉर्मूला हम कैसे लगाएं। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में बताया एंड और की फॉर्मूला, अगर हम एंड और का इस्तेमाल ना करें तो क्या करेंगे। सर रिकॉर्डिंग को अलाउ कर दीजिए। क्या बोल रहे हैं सर? कर दे दिया। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग का होगा। हाँ, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमने एक डेटा हमने लिया यहाँ पे, वैसे एक डेटा की बात कर लेता हूँ। इस पे सेल्स है, आपने सेल्स की कुछ फिगर्स दे देता हूँ। हमें इस वक्त क्या करना है, जो मान लीजिए जो 60 से लेके 90 तक है उस पे हमें 800 का इंसेंटिव देना है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था इसको कि एंड के जरिए हम कैसे करेंगे। तो पहले तो मैं लूप लगा देता हूँ कि फोर आई इक्वल टू, चले 1 2, और कितना है उसको आप ऑटोमेट कर सकते हैं। मैं 17 नहीं देता हूँ, 2 से 17, 2 2 17, और नेक्स्ट आई। फिर कंडीशन दिया कि इफ रेंज ए एंड आई डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 60 एंड रेंज ए के साथ हमने आई को कंबाइन किया और डॉट वैल्यू लेस देन इक्वल टू 90 देन रेंज बी के साथ हमने कंबाइन किया आई को एंड डॉट डॉट वैल्यू देन इक्वल टू, हमने बोला 800, और एल्स में हमने दे दिया ये हमने लास्ट क्लासेस में आपके साथ डिस्कस किया। बट प्रॉब्लम क्या है कि इसमें हम इसको हम विदाउट एंड एंड नहीं लगाना चाहते हैं, तो विदाउट एंड कैसे करेंगे। तो चलिए हम आपको इसको विदाउट एंड करना सिखाते हैं। हमने इसको कॉपी किया, यहाँ पेस्ट किया, और हमने यहाँ पे इसको इफ पे किया और हमने इसको यहाँ से तोड़ दिया, यहाँ लिखा दैट। तो जितने कंडीशन उतने इफ लगेंगे, ध्यान रखिएगा। दिया और फिर यहाँ पे एल्स कर दिया। ये जो इफ है ये दूसरे इफ के अंदर में, तो जितने इफ लगेंगे उतने एंड इफ भी लगेंगे। तो ये जो एंड इफ हुआ इसका हुआ, और फिर यहां पे हम एल्स देते हैं। और यहां पे अगर कुछ देना है तो ठीक है, वरना है तो इससे बेनिफिट क्या होगा। जैसे आपने बोला कि भाई लेस देन ग्रेटर देन 90 है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप भाई ये ग्रेटर देन 90 है, और इस पे मैं दे सकता हूँ एल्स इफ में। इसमें क्या है कि एंड में क्या है कि सिंगल कंडीशन कई सारे हैं लेकिन रिजल्ट सिंगल होता है, लेकिन
आप अगर नेस्टेड इफ लगाते हैं तो कई सारे कंडीशन के साथ कई सारे रिजल्ट भी दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए कि अब ए इफ चलेगा कि ए इफ अगर ग्रेटर देन 60 हुआ तो दूसरे इफ को फॉरवर्ड करेगा, अदरवाइज सीधे इस एल्स को शो करेगा। तो हमने सिर्फ दो रिजल्ट शो कर दिया कि ग्रेटर देन 90 एंड ग्रेटर देन 60। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? अब मैं इसको प्ले करता हूं। तो एक नाम के दो मैथड होने चाहिए, कर दिया क्या? यहां पे आप देखें दिया हुआ रिजल्ट। अगर दूसरा एग्जाम्पल बताएं, मेरे यहाँ पे नेम है जैसे कि पूजा, कविता, नीरज, इंद्र एंड मोहन, कितना ही देता हूं, 6 तक, 5 ही देता हूं। और इनके सब्जेक्ट्स है, ये क्लास में भी सर 4 सब्जेक्ट लिखता हूं। और यहां पे मैं पास फेल देता हूं रिजल्ट। अब इसमें मुझे रिजल्ट देना है कि हर एक नंबर ग्रेटर देन 60 हुआ तो पास, अदरवाइज फेल आना चाहिए। तो हमने क्या किया इसमें, हमने यहां पे थोड़ा दिया कि इफ, यहां पे सब्जेक्ट देता हूं, सब्जेक्ट इफ अंडरस्कोर 3 इक्वल, अब यहां पे लिख देता हूं कि 4 I equal to चले 226। ये तो हमारा फिर पहली कंडीशन लगा रहे हैं कि इफ रेंज के साथ हमने बोला डी कि डी आई डॉट वैल्यू में पहली सब्जेक्ट अगर ग्रेटर देन, अगर यहां कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं यहां पे वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूं, इफ सब्जेक्ट 1 कॉमा सब्जेक्ट 2 कॉमा सब्जेक्ट 3 कॉमा सब्जेक्ट 4, सब्जेक्ट 4 तक यहां एज ए इंटीजर, और फिर यहां पे एस 1 इक्वल टू रेंज। अब यहां पे क्या है कि मैं इसका भी इस्तेमाल कर सकता हूं या हम एरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यहां पे एरे का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। एरे का अगर मैं इसको डेट कर दूं तो यहां पे लिख सकते हैं डिम एस, इसमें 1, 2, 4 एज ए लूप। यहां पे हम एक और लूप लगा सकते हैं इसके अंदर वैल्यू स्टोर करने का, 4 4 में k लिख देता हूं, k इक्वल टू 1, 2, 4 चले, और यहां पे होगा s इसके अंदर देख k इक्वल टू रेंज में फिर सेल हो गया, सेल्स में हमने बोल दिया के यहाँ पे आई हमारा रो हो जाएगा और कॉलन हो जाएगा के प्लस 1 डॉट 10, और यहाँ पे नेक्स्ट। तो सारे वैल्यू एस के ऊपर
वन टू थ्री से स्टोर हो गया। अब यहां मुझे क्या करना है, कंडीशन देना है कि इफ एस के अंदर हमने वन किया, अगर वो ग्रेटर देन इक्वल टू 33 है तो है। तो यहां पर दूसरा कंडीशन चेक करें कि इफ सब्जेक्ट टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 दैट, यहां पर सब्जेक्ट थ्री इफ एस थ्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 दैट, यहां इफ एस फोर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 दैट, ऐसा हुआ तो रेंज रिजल्ट किस पे जाना है, एफ पे। एफ इसके साथ हमने आई को कैलकुलेट किया और बोला कि डॉट वैल्यू इज ग्रेटर देन वैल्यू इक्वल टू पास। नेस्टेड इफ नहीं पढ़ाया था सर, नेस्टेड इफ पढ़ा रहा हूं, एंड वाला पार्ट तो डन हो चुका है लेकिन ये डन नहीं था। एल्स हम लिया और यहां कर दिया के, और फिर मैंने एंड इट किया। और फिर यहां पे एल्स, क्योंकि जितने एंड उतना एल्स देना पड़ेगा। और फिर यहां पे मैं बोलता हूं कि इक्वल टू, अब इसे फेल हुआ तो किस सब्जेक्ट में फेल हुआ, तो ये हमारा सब्जेक्ट नंबर थ्री फेल और ये हमारा सब्जेक्ट नंबर वन फेल। और फिर मैंने यहां पे एंड इफ कर दिया, तो दो इफ क्लोज हो गया। अब मैं तीसरे इफ को क्लोज करता हूं, यहां एल्स देखिए एल्स, और इसको पेस्ट किया। हमने यहां पे लिखा सब्जेक्ट टू फेल और यहां पे एंड इफ किया, फिर वापस हमने एल्स किया और यहां पे पेस्ट करते हैं और ये हमारा सब्जेक्ट वन इज फेल इस तरह से। तो देखिए इस तरह की एंड भी, तो हमने ऊपर जैसे एंड मेथड बताया, इस मेथड के जरिए भी कर सकते थे, बट इस मेथड में क्या हुआ कि हम किसी के एल्स पे या किसी चीज पे सिंगल रिजल्ट दे सकते हैं, बट यहाँ पे हमारे पास कई सारे तरीके हैं रिजल्ट को फुलफिल करने के, इस तरह के इसका इस्तेमाल हम करते हैं। क्लियर है? अब मैं इसको रन करता हूं, रिजल्ट आएगा। किसी को डाउट इसमें? मुझे डाउट है सर, पूछिए। एस थ्री पहले क्यों आया नीचे? क्या एस वन का एस थ्री फेल सेकंड नंबर पे क्यों आया एल्स में? क्या है कि मैं इसको मैनुअल भी कर सकता था, लेकिन यहाँ पे एक चीज बता दिया, एरे बताया हमने। हमने पहले एक एरे डिफाइन किया जो कि एस के नाम से इंटीजर वैल्यू को कैरी करता है और इसके चार पार्ट। तो इसने क्या किया कि आपके सिस्टम ने एक टेबल जनरेट कर दिया जिसमें चार रो है, ठीक है, और हर रो का नाम, इस टेबल का नाम एस और इस रो का नाम वन टू थ्री फोर हो गया। फिर मैंने लूप लगाया कि भाई फोर के इक्वल टू चले वन टू फोर, एक एक करके मैं सारे सब्जेक्ट की वैल्यू स्टोर करा लेता हूं।
इसको स्टोर करा लिया, ये सब्जेक्ट वन की वैल्यू, सब्जेक्ट टू की वैल्यू, सब्जेक्ट थ्री की वैल्यू, इसको अनस्टोर करा रहा हूँ। ये एरे है, इसमें स्टोर वन बाय वन सारे सब्जेक्ट स्टोर हो जाएंगे और फिर वन टू थ्री फोर फाइव करके हम सारे सब्जेक्ट यहां से ले लेंगे। तो यहां पर मैं बोला कि भाई एरे के अंदर सब्जेक्ट पहले नंबर रो पे सब्जेक्ट वन है, अगर वो ग्रेटर देन 33 हुआ तो क्या करें, दूसरे सब्जेक्ट को चेक करें कि क्या दूसरे नंबर एरे के दूसरे नंबर रो में भी जो वैल्यू है क्या वो ग्रेटर देन 33 है। ऐसा हुआ तो तीसरे को चेक करें और तीसरे में भी 33 निकला तो चौथे को चेक करें। तो चार सब्जेक्ट है और चौथा सब्जेक्ट अगर पास करता है, इसका मतलब है कि उससे पहले वो तीन सब्जेक्ट पास कर चुका है। ठीक है यस सर, तो यहां पे वो पास दे देंगे। अदरवाइज यहां पे सब्जेक्ट फोर फेल। अगर मान लीजिए कि यहां पे कंडीशन फेल होता है तो ये आपका ए दिखा देगा, अगर ए कंडीशन फेल होता है तो ए दिखा देगा, तो पहली कंडीशन फेल होती है तो आपका ए दिखा देगा। ठीक है, हाँ ठीक है। अब हम बात करते हैं स्लैग इंसेंटिव्स की, कि मान लीजिए कि ये जो हमने नंबर यहां पे दिया था यही नंबर हमारे पास है, मुझे इंसेंटिव देना है लेकिन स्लैग, मतलब कि मैं चाहता हूं 0 to 40 हो तो 500, 41 to 80 हो तो 1000, 81 to 100 हो तो 2000 और ग्रेटर देन 100 हो तो मैं यहां पे 5000 करना चाहता हूं। राइट, यहां आई एम सी बी। चलिए सब्जेक्ट इफ फोर कंडीशन देखते हैं कि इफ फोर ड्राइवर पर ध्यान फोर आई इक्वल टू करे 2 to 17 और फिर यहां देते हैं इफ रेंज। अब इसमें क्या है कि हम वेरिएबल ले लेते क्योंकि इसमें एक ही है हमारा, एस एज ए इंटीजर कर देता हूं और एस इक्वल टू हम दे देते हैं रेंज ए के साथ हमने कंबाइन किया आई डॉट वैल्यू और एक और मैं यहां पे रिजल्ट के लिए आर देता हूं, एक साथ दो वेरिएबल डिजाइन कर देता हूं और आर देता हूं। अब कंडीशन होगा कि इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 40 देन आर पे स्टोर हो 500। अब ये क्या है, ये हमारा क्या था, इफ एज हमारा था, इफ एंड इफ था हमारा, इफ एल्स था, इफ एंड एल्स। अब बात करते हैं एल्स इफ की, एल्स इफ, एल्स इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 80 देन आर इक्वल टू 1000 हम यहां से लगाएंगे एल्स इफ एस इज लेस देन इक्वल टू 100 दैट स्पेलिंग मिस्टेक है क्या, देन आर इक्वल टू 2000 और एल्स इफ एस इज ग्रेटर देन 100 then r equal to 5000 और यहां पे हमने and if कर दिया, तो जो वैल्यू थी r पे स्टोर हो गई। लास्ट में मुझे लिखना होगा कि रेंज d के साथ हमने i को कंबाइन किया और बोला इसकी वैल्यू इक्वल टू r। अब मैं इसको प्ले करता हूं, तो प्ले करते ही आप देखेंगे कि इंसेंटिव यहां, तो
ये आपका इफ एल्स में कोई डाउट? इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, बताता हूं। सिलेक्ट केस यहां पे देना होता हमें केस, यहां पे सिलेक्ट केस दूसरा एस के साथ। अब यहां पे लिखते केस 0 to 40 आर इक्वल टू 500, केस 41 टू 80 देन आर इक्वल टू 1000, केस 81 टू 100 देन आर इक्वल टू 2000 and case is greater than 100 then r equal to 5000 or class mein and select. तो जब complicated होता है ना उसमें इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्लियर है? इसमें कोई डाउट आप लोगों को? ये समझ में हॉरिजॉन्टली चलता सर? क्या बोला? हॉरिजॉन्टली, ये हॉरिजॉन्टली भी चलेगा सर? लूप कहीं भी चलेगा, वो लूप वो लूप डिफाइन करेगा ना, वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली है। याद रखिए ये वर्टिकली चल रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने कॉलन के साथ किया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए ये हॉरिजॉन्टली चला था ऊपर वाला लूप, देखा ना हॉरिजॉन्टली चल रहा है, तो इसमें सेल्स लगाया हुआ। ठीक है, इसकी प्रैक्टिस कीजिए और कल हम आपको इसके कुछ क्वेश्चंस देंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इस पे आप पूरी तरह से प्रैक्टिस कर लीजिए ताकि कल क्वेश्चन जो मैं दूंगा उसको आप सॉल्व कर सकें। सर आप पूछिए। हेलो, वो सर टेक्स्ट टू नंबर वाला बोल देंगे थोड़ा। टेक्स्ट टू नंबर? हाँ, मतलब कि आप ये बोल रहे हैं कि आपने यहाँ पे टेक्स्ट में नंबर को लिखा हुआ है, राइट? हाँ, इसको आप नंबर चाहते हैं इस तरह से? हाँ, मैं इसको अगर रिकॉर्ड करता हूँ सर। हाँ, रिकॉर्डिंग में आपने क्या कि इसको रिकॉर्ड किया, इसको कन्वर्ट टू नंबर किया, राइट? हाँ, नहीं हुआ तो इसका सिंपल सा तरीका है, करता हूँ सर। सिंपल तरीका क्या बताया सर? इसमें प्लस जीरो कर दीजिए। ठीक है, तो इस केस में नया कॉलम ऐड करना पड़ेगा ना सर? नहीं, इसी की में आप ये कोड लिखिए ना, जैसे मान लीजिए कि मुझे A1 PMR टेक्स्ट लिखा हुआ है, राइट? ओके, अब इसको नंबर में कन्वर्ट करना है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सब्जेक्ट रेंज A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू रेंज A1 डॉट वैल्यू प्लस 1। ठीक है, प्लस 0। हाँ, प्लस 1 हो गया, प्लस 0 कर दीजिए आप, मल्टीप्लाई बाय 1 या प्लस 0 हो गया ना सर यहाँ पे? ओके सर, चलिए, ओके, बाय, गुड नाइट, थैंक यू सर।